अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर। एक बार फिर आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी फौजों पर इल्ज़ाम लगा दिया। आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौजें हमें तहसो नहस कर रही हैं। पाकिस्तान ने जो साजो सामान आज़रबाईजान को दिया, उन्हीं की वजह से हम अब तक तत्तर बत्तर हो चुके हैं। अब तक हम पर जितने भी फौजी हमले हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी फौज ने ही किए हैं। ये उनका बयान था जो आज का था। इससे पहले भी वो दो तीन बार ये कह चुके हैं कि हमको अब तक जितना भी नुकसान हुआ है वो पाकिस्तानी फौज की ही वजह से हुआ है, और इसमें उनका साथ जो है आज़रबाईजान के अलावा तुर्की भी दे रहा है। तुर्की ने वैसे तो अब तक बहुत सारा साजो सामान एयर डिफेंस आज़रबाई पहुंचा दिए हैं। अखबार एजेंसी ने दावा किया है कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से जो भी साजो सामान दिफाई लिया, उसमें JF-70 थंडर भी शामिल है। अब तक आर्मीनिया जिन इलाकों पर काबिज था, वो इलाके आज़रबाईजान ने JF-70 थंडर की मदद से छुड़ा लिए हैं। आज़रबाईजान को वैसे तो तुर्की की हमायत भी हासिल है और पाकिस्तान भी भरपूर सपोर्ट कर रहा है, मगर आर्मीनी वजीर आजम के इस बयान का जवाब पाकिस्तानी वजीर खारजा ने देते हुए कहा कि ये बेबुनियाद एक सरासर झूठ है। जानबूझकर आर्मीनिया के वजीर आजम हर इंटरव्यू में हमारा नाम लेकर हमें दुनिया भर में बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इंडिया लॉबी भी शामिल है। वो चाहती है कि दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो जाए। एक तीसरे मुल्क की जंग में हम उसकी हमायत तो कर रहे हैं, मगर उसमें जाकर लड़ नहीं रहे। ये गलत और बेबुनियाद चीजें हैं जो कि बार बार फैलाई जा रही हैं। इसलिए आर्मीनिया वजीर आजम को चाहिए कि वह हकीकत पर नजर रखें और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें।